फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग ने जिला बांदीपुरा के सुंबल में आग की घटनाओं को कम करने और नुकसान से बचने के उपायों के बारे में आम जनता को जानकारी देने के उद्देश्य से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग के निदेशक ADGP आलोक कुमार के निर्देशन पर आयोजित किए गए इस एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज सुंबल के इंचार्ज अली मोहम्मद की उपस्थिति में विभाग के कर्मचारियों ने लोगों को LPG के रिसाव और अन्य प्रकार की आग की घटनाओं को कम करने और नुकसान से बचने के उपायों के बारे में जागरूक किया। क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर वो कम हो जाता है, तभी तो हमने लगाया। यहाँ से देखो आराम से हमने क्या किया, हमने यहाँ से फिर ऑक्सीजन कट ऑफ किया है। हम महकमे फायर एंड इमरजेंसी JKUT से जनाबी DG साहब के हुक्म से आलोक कुमार और जनाबी असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी बांडीपोरा हेडक्वार्टर से यहां पर प्रोग्राम मन्नत करने के लिए तहसील सुमल सोनावारी में आई है। आज हमारी अवेयरनेस ये है कि जो आग ज़्यादा लगती है इसके बारे में हमारा जो प्रोग्राम अभी चल रहा है कि आगों में जो आग लगे हुए होता है इससे पहले इसमें पूरा कमी आ रही है। क्योंकि जो हमारी अवेयरनेस है, जैसे कि अभी डैमेज होती है, विंटर का मौसम है, अभी हमारे गैस है, अभी हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स है वगैरह है जिससे आग ज़्यादा लगती है और कांगड़ी टर्न हो जाती है उससे भी आग लगती है। लोगों में हम यही जागृति अवेयरनेस देते हैं कि कैसे सुझाव आपको जो अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी लाखों की प्रॉपर्टी है एक छोटी सी चिंगारी को बड़ी आग में तब्दील होने से बचाते थे। दूसरी वेंटिलेशन होनी चाहिए, हर एक कमरे को वेंटिलेशन होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो जितना ऑक्सीजन जलेगा उतना ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन आएगा। ये मेहरबानी है कि आज जो इंसान की लाइफ है ये दोबारा नहीं बनती है। सेव, वी सर्व टू सेव लाइफ एंड प्रॉपर्टी।